हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जाने आटे की स्वीट पकौड़ियाँ। इसलिए हम काजू बादाम किशमिश ले थे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, दूध, चीनी और आटा। आटे को हमने चाल लिया है। अब एक कटोरी में आटा लिया हमने, उसको बर्तन में एक निकाल लिया हमने। इसमें छोटी इलायची डालते हैं, हमने उसको दरदरा पीस लिया है। हमने इसमें एक चम्मच इलायची डाली है, इलायची में दरदरा पीस लिया है। अब इसमें हम डालते हैं चीनी। हमने छोटी कटोरी से एक कटोरी चीनी लिया, इसमें चीनी ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना हमारी पकौड़ियाँ तेल में फट जाएंगी। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। अब इसमें हम दूध डालते हैं। आप चाहे तो पानी से भी बना सकते हैं, पर हमने इसमें दूध डाला है। हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डाला है। इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं चम्मच से या हाथों से। देखिए दूध हमारा थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा और दूध डाल देते हैं। हमने इसमें 1 कप पूरे दूध डाल दिए। देखिए हमारा अच्छा से मिल गया है आटे। अब इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, हमने ज़्यादा हाई पे तेल गर्म नहीं किया है, लो पे किया है। अपनी पकौड़ियों को छोटा छोटा करके इसमें हम डालते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब और बहुत ही नरम मुलायम बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। देखिए बहुत मुलायम आए पकौड़ियाँ बनी है, ना इसमें हमने सोडा डाला है ना इनो डाला है। बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों। ये पकौड़ी आटे से बनाइएगा, चीनी बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालिएगा वरना इससे हमारी पकौड़ियाँ ख़राब बन जाएंगी और तेल में फट जाएंगी।